जो हम लोगों ने कल रनिंग टॉपिक छोड़ा था, ये टॉपिक था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। टॉपिक वॉज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को समझने के लिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस रिक्वायर क्यों है, और इसके अपोजिट जो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, इट वॉज नोन एज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग को समझने के लिए पॉलिनेशन के तीनों टाइप समझ लेना जरूरी है। एक बार पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा था, एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच रहा था, इट वॉज नोन एज ऑटोगैमी। दूसरी बार हम लोगों ने पढ़ा था, इट वॉज नोन एज एक प्लांट का पॉलिन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा था, ऑटोगैमी की गीटनोगैमी, इट वॉज द गीटनोगैमी। और तीसरे तरीके की कंडीशन ये थी कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंच रहा था, इट वॉज नोन एज ज़ेनोगैमी। सो पॉलिनेशन आर ऑफ थ्री टाइप, वन इज नोन एज ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, ज़ेनोगैमी। जब तक के प्लांट सेम है तब तक के पॉलिनेशन सेल्फ माना जाएगा, तो ऑटोगैमी गीटनोगैमी ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ये आपको याद रहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और ज़ेनोगैमी इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, ज़ेनोगैमी। ऑटोगैमी गीटनोगैमी आर द सेल्फ पॉलिनेशन एंड ज़ेनोगैमी आर द क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, अब इधर इन ब्रीडिंग जो शब्द है ये दूसरा शब्द है जब अब तक हम लोग बोलते हैं सेल्फ ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? और इन ब्रीडिंग या सेल्फ ब्रीडिंग बात एक ही है। और इन ब्रीडिंग सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब है कैसा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। कैसा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ घाटे हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो हाइब्रिड करेक्टर मेंटेन रहेगा कि लॉस हो जाएगा? आइए आइए, कितने लोग आज क्लास पहली है अभी? अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रनिंग टॉपिक है और आप अभी अभी बैठे हो तो मुश्किल हो सकता है। तो सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब है एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंच जाए, इट इज नोन एज सेल्फ ब्रीडिंग। सेल्फ ब्रीडिंग में देखो कौन कौन सा, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, और क्रॉस में कौन? ज़ेनोगैमी। इन ब्रीडिंग और सेल्फ ब्रीडिंग एक ही बात है। बोलते हैं जब तक सेल्फ ब्रीडिंग होती रहेगी तो किसी भी हाइब्रिड में अगर सेल्फ ब्रीडिंग होती रही तो बताइए उसकी सुपीरियोरिटी लॉस होगी कि गेन होगी? तो हाइब्रिड की अगर सुपीरियोरिटी लॉस हो गई तो बताओ हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन रख पाएगा कि नहीं? नहीं रख पाएगा। और ये किस वजह से हुआ? किस वजह से हुआ? इन ब्रीड। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूस क्या कराता रहूं, बोलने से नहीं चलेगा, मैं कॉन्टिन्यूस क्या कराता रहूं मतलब क्या? अगर मैं कॉन्टिन्यूस क्या करवाता रहूं तो बताओ हाइब्रिड बनेंगे कि लॉस होगी? हाइब्रिड करेक्टर बनेगा कि लॉस होगा? तो हाइब्रिड करेक्टर का लॉस तब होगा जब क्या हो, बताओ क्या हो? ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी। ऑटोगैमी गीटोगैमी हाइब्रिड करेक्टर को मेंटेन करेंगे कि लॉस करेंगे? तो हमने कहा क्या क्या नहीं होना चाहिए, हमें ऑटोगैमी नहीं करानी, गीटोगैमी नहीं करानी, क्या करानी है? जीरो। पक्का? तो वो सारी मैकेनिज्म जो किसको प्रिवेंट करें,
ऑटोगैमी को और किसे सपोर्ट करें, दीज आर नोन एज, सो दिस इज अ डेफिनेशन व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दीज आर द मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग, वो मैकेनिज्म जो इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करें, इनब्रीडिंग मतलब किसको ऑटोगैमी और किसको गीटनोगैमी, ऑटोगैमी और गीटनोगैमी को प्रिवेंट करें, बट सपोर्ट किसको सपोर्ट करें, बट सपोर्ट जीनोगैमी, किसे सपोर्ट करें, जीनो, और जीनोगैमी इज इनब्रीडिंग की आउटब्रीडिंग, तो वो सारी डिवाइसेस, वो सारे मैकेनिज्म जो किसको सपोर्ट करेंगे आउटब्रीडिंग को और किसे प्रिवेंट करेंगे इनब्रीडिंग को, दीज आर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बेटा सामने देखो, इधर इधर चलो, व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दीज आर द मैकेनिज्म, दीज आर द विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग, मतलब कौन कौन, ऑटोगैमी गीटनोगैमी, इन्हें सपोर्ट करना कि प्रिवेंट, और किसे सपोर्ट करना, आउटब्रीडिंग, दैट इज जीनोगैमी। तो अब हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिटेल में लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं। तो सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पहला पॉइंट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के कुछ पहले पॉइंट है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए मुझे क्या क्या प्रिवेंट करना है, ऑटोगैमी प्रिवेंट करना है, गीटनोगैमी प्रिवेंट करना है, जीनोगैमी भी प्रिवेंट करना है, जीनोगैमी सपोर्ट करना है। तो आओ पहले हम लोग किसको प्रिवेंट करें, तो आओ देखते हैं ऑटोगैमी कैसे कैसे प्रिवेंट हो सकती है। तो हमें मालूम होना चाहिए ऑटोगैमी को सपोर्ट करने वाले बातें, याद है ऑटोगैमी को सपोर्ट करने वाली बात, फ्लावर यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल, फ्लावर को बायसेक्सुअल होना चाहिए, बायसेक्सुअल हुआ तो क्या हो जाएगी, और मैंने फ्लावर को क्या कर दिया, यूनिसेक्सुअल। तो मैंने कहा फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल हो जाए तो ऑटोगैमी तो नहीं होगी, ये बात समझ लो। फिर कुछ भी हो जाए, फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी नहीं होगी, यानी या तो फ्लावर हो जाए मेल या तो हो जाए फीमेल। अब बताओ ऑटोगैमी क्या एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन था, नो और यस, यस। अब बताओ इस केस में एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये दोनों फ्लावर एक साथ है कि अलग अलग, और अगर अलग अलग है तो क्या नहीं होगी, ऑटोगैमी। तो किसी फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना क्या ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, और क्या प्रिवेंट करेगी, ऑटोगैमी। किसी ने कहा सर मान लीजिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं हुआ, फ्लावर सर बाईसेक्सुअल ही है, और फिर भी हमें ऑटोगैमी प्रिवेंट करनी है, सर फ्लावर बाईसेक्सुअल ही है अब भी हमें ऑटोगैमी प्रिवेंट करनी है। तो मैंने कहा एक जुगाड़ है, और जुगाड़ यह है कि फ्लावर में एंथर की पोजीशन और स्टिग्मा की पोजीशन साथ साथ हो कि अलग अलग, पास पास की दूर दूर, तो क्या यह दूसरी जगह पॉलन भेज सकता है, यस, और क्या यह दूसरी जगह से पॉलन रिसीव कर सकती है, यस। तो पहली डिवाइस है कि फ्लावर को यूनिसेक्सुअल करा दो, और दूसरी डिवाइस ये है कि बेटा एंथर एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा इनको डिस्टेंट कर दो, डिस्टेंट मतलब पास पास की दूर दूर, और या तो इनमें कुछ बैरियर कर दो, विथ बैरियर, इनके बीच में कोई बैरियर आ जाए, यानी कोई ऐसी दीवार आ जाए कि एंथर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ना आ पाए, और स्टिग्मा एंथर के सबके पास ना आ पाए। तो याद रखना, तो पहली डिवाइस क्या है, सो जाओ इससे अच्छा है बोलो, अगर यूनिसेक्सुअल हो गया तो क्या नहीं होगी, लेकिन कभी कभी बाईसेक्सुअल फ्लावर में भी ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे, अगर हम उनकी पोजीशन पास कर दें कि दूर। और तीसरा पॉइंट ये है भाइयों बहनों,
कि अगर मैं इन दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग कर दूं, मैच्योरिटी का मतलब जिस समय पॉलन रिलीज हो, क्या रिलीज हो, उस समय स्टिग्मा मैच्योर, तो बताओ पॉलन यहां पर गिरा भी तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल की फेल, पक्का? तो तीसरा पॉइंट यह है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी नॉन सिंक्रोनस. पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी नॉन सिंक्रोनस. ये साथ साथ ना हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर ऐसा हो गया तो ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी. तो तीन पॉइंट तो आप रट्टे मारी लो. पहला पॉइंट, फ्लावर क्या हो गया, यूनिसेक्स, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल. दूसरा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइज क्लोज टू ईच अदर की डिस्टेंस, डिस्टेंस, और क्या इनमें कोई बैरियर आना चाहिए. और तीसरा पॉइंट, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनस. सिंक्रोनस की नॉन सिंक्रोनस. अच्छा, अब इसे ध्यान से सीखो. बोले सर, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉन सिंक्रोनस कैसे हो सकती, इसका जवाब दो. कि सर ये रहा एंथर, मेल का साइन मैं बना रहा हूं, और ये रहा फीमेल स्टिग्मा. एंथर से बना पॉलन ग्रेन, इसका मतलब पॉलन ग्रेन बन चुका है, इसका मतलब एंड्रोसियम मैच्योर है. कौन मैच्योर है? और स्टिग्मा अभी तक मैच्योर, तो बताओ ये पॉलन यहां पर आएगा तो बताओ ये सक्सेसफुल की फेल. बेटा क्या नाम है तुम्हारा, रेड टी शर्ट के साथ, आदित्य. ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चेहरा तुम्हारा बता रहा है. पहले तुम उधर झांक रहे थे, फिर अब अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था. दो लोग अपने अपने घर से एक ही समय पर निकले, अगल बगल के घर के लोग थे, एक ही समय पर निकले और उनके घर के पास चौराहा था, दोनों के मिलने के चांसेस साथ साथ ही अलग अलग. ये दरवाजे ने, इसने दरवाजा खोला, इसने भी खोला, इसने पहला पैर बाहर निकाला, इसने भी पहा, ये मुड़ करके गया और चौराहे पर दोनों के मिलने के चांसेस साथ साथ के अलग अलग. सिंक्रोनस की नॉन सिंक्रोनस, सुना नहीं मैंने, इसका मतलब इनके दोनों के काम एक साथ हो रहे हैं. अगर मैं पॉलन जिस समय रिलीज करूं, स्टिग्मा उसी समय पर बेटा फर्टाइल हो जाए, स्टिग्मा उसी समय पर रिसेप्टिविटी आ ले, तो बताओ पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी साथ साथ हो गए कि अलग अलग? आदित्य बाबू बोलना जरूरी है, अलग अलग के साथ साथ. पर अगर मान लो पॉलन पहले रिलीज हो और स्टिग्मा अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई है, तो पॉलन का पहला मैच्योर होना, इट इज नोन एज प्रोटेंड्रस. फिर से बोलो. एंड्रूसियम का मतलब होता है मेल की फीमेल, पता नहीं. तो अगर एंड्रूसियम पहले मैच्योर हो जाए, कंडीशन का नाम है प्रोटेंड्रस. और अगर प्रोटेंड्रस कंडीशन आ जाए मेरे बच्चों, तो पहले कौन निकलेगा, मजा ही नहीं आ रहा, क्या निकलेगा? और स्टिग्मा उस समय तक मैच्योर, अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगी तो बताओ सिंक्रोनस हो जाए कि नॉन सिंक्रोनस, किस कंडीशन में? तो बताओ प्रोटेंड्रस होना क्या एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस है? अब दूसरी कहानी सुनो कि सर अभी एंथर मैच्योर नहीं हुआ, एंथर मैच्योर नहीं हुआ तो पॉलन बने कि नहीं बने? पता नहीं. और स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ चुकी है, स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ चुकी, मतलब स्टिग्मा इज मैच्योर और इमैच्योर. इसका मतलब स्टिग्मा किसी भी पॉलन को रिसीव कर सकती है और वो पॉलन ये नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसने पॉलन बनाना चालू किया है. तो बताओ ये जो पॉलन आया होगा इसी का होगा कि बाहर से आया? और अगर बाहर से आया है तो हम कह रहे हैं ऑटोगैमी हो रही कि नहीं हो रही. इसका मतलब है अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, कंडीशन का नाम है प्रोटोगाइनस. फिर से बोलो,
तो प्रोटोगाइनस होने पर पहले कौन मैच्योर हो गया? सिग्मा। जवाब नहीं है, कौन है? और तब तक बेटा एंथर मैच्योर नहीं। बताओ ये भी कैसी डिवाइस है? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। और वो तुमसे ऐसे ही आंसर ऑप्शन दे करके पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस, और आपको देखना पड़ेगा। बताओ प्रोटेंड्रस इज, प्रोटोगाइनस इज, इन दोनों कंडीशन में तीसरा पॉइंट वैलिड है? पता नहीं कौन सा तीसरा पॉइंट, बोलो। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, सिंक्रोनस की नॉन्स। पहले अगर पॉलन रिलीज हो जाए प्रोटेंड्रस, फिर से बोलो, और पहले स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ जाए प्रोटोगाइनस। तो बताओ नॉन सिंक्रोनस करने के लिए कितनी कंडीशन है? दो। एक कौन? प्रोटेंड्रस। दूसरा कौन? प्रोटोगाइनस। ये तीन कंडीशन है जिसमें क्या प्रिवेंट होगी और हमें क्या क्या प्रिवेंट करना है? ऑटोगैमी और गीटोगैमी, दोनों प्रिवेंट करना है। जवाब ही नहीं आएगा तो कैसे मिलेगा भाई? चलो बताओ व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस, व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस? दीज आर द मैकेनिज्म विच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी एंड सपोर्ट जीरो। अभी हम किसे प्रिवेंट करा रहे हैं? क्या ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के तीन रास्ते हैं? क्या ऑटोगैमी को सपोर्ट करने के भी तीन रास्ते थे? पहला बाईसेक्सुअल फ्लावर, ये ऑटोगैमी को सपोर्ट करता है। दूसरा दोनों पास पास हो, ये ऑटोगैमी को सपोर्ट करता है। और दोनों का काम सिंक्रोनस हो, ये ऑटोगैमी को सपोर्ट करता है। इन तीनों पॉइंट को उलट दिया, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, शाबाश। पॉलन सॉरी दोनों की पास, दोनों पास पास की दूर 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 दूर। तीसरा पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी। अब भाइयों बहनों ध्यान से देखो, हमें गीटनोगैमी को प्रिवेंट करना है, और एक बड़ा जादुई बात है जो तुम लोगों ने मिस कर दी। मिस क्यों करी? क्योंकि तुम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए, केवल तुम टीचर के बहकावे में आ गए और तुम सुनते रहते। तुमने कहा कि सर अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए, मान लीजिए एक फ्लावर मेल हो गया दूसरा फ्लावर फीमेल हो गया, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गए तो देर विल बी नो ऑटोगैमी, ये तो पक्की बात है, ऑटोगैमी तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने के साथ प्लांट मोनोइसियस हो जाए, कैसा हो जाए? मोनोइसियस। अब आधे लोगों को तो मोनोइसियस शब्द भूल गया होगा, याद है? इसी दिन के लिए मैंने उस दिन तुमको दम भर के पढ़ाया था कि याद रखो मोनोइसियस का मतलब, मोनोइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। अब देखो तुम्हारा टीचर गया है पगला, कैसे पगला गया? ऊपर क्या लिख रहा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बोलो क्या लिख रहा है? और नीचे क्या लिख रहा है? बाईसेक्सुअल। या तो भैया यूनिसेक्सुअल लिख लो या तो बाईसेक्सुअल, दोनों बातें सही है। फ्लावर कैसा? लेकिन दोनों प्रकार के फ्लावर एक ही प्लांट में है, तो बताओ प्लांट कैसा? बाईसेक्सुअल। और बाईसेक्सुअल प्लांट की कंडीशन का नाम मोनोइसियस, याद आया? और इसके एग्जाम्पल मैंने कुकुरबिट पढ़ाया था, भूल गया, कुकुरबिट पढ़ाया था, मेज पढ़ाया था। बताओ मेज के फ्लावर, पता नहीं, कुकुरबिट के फ्लावर, लेकिन प्लांट, इसका मतलब कुकुरबिट मेज में क्या नहीं होगी, पर क्या फिर भी गीटनोगैमी के चांसेस हैं? यस सर, गीटनोगैमी के तो बहुत सॉलिड चांस। व्हाट इज गीटनोगैमी? पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और क्या गीटनोगैमी भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है? पता नहीं सर, हमें क्या मालूम, गीटनोगैमी सेल्फ है कि क्रॉस? तो बताओ ये क्या ये भी एक इनब्रीडिंग है? और हमें इसको भी बचाना है। तो ऑटोगैमी को तीन तरीके से बचा लिया, लेकिन ऑटोगैमी में जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन है वो किसे बचा गई?
पता नहीं, पर किसे नहीं बचा पाए। बोले एक ऐसा तरीका बताओ जिसमें ऑटोगैमी भी रुक जाए और गीटनोगैमी भी रुक जाए। बोले सर जी फ्लावर को नहीं, प्लांट को कर दो यूनिसेक्सुअल। प्लांट को यानी एक प्लांट में जितने भी फ्लावर हैं सब कर दो मेल, सारे फ्लावर मेल, इसमें कोई भी फीमेल फ्लावर पता नहीं, इसमें कोई भी फीमेल फ्लावर नहीं। और दूसरे में जितने भी फ्लावर कर दो वो कैसे कर दो फीमेल, इसमें कोई भी कैसा फ्लावर ना हो मेल। अब बताओ इस कंडीशन को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट। क्या ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है? और मैंने यूनिसेक्सुअल प्लांट को एक नाम दिया था मोनोइसियस की डाइसियस, डाइसियस। और इस डाइसियस कंडीशन को मेंटेन करना इट इज नोन एज डाइसी। बोलो क्या नाम है? बताओ डाइसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑटोगैमी पता नहीं, गीटनोगैमी भी तो होगी, तो केवल क्या होगी ज़ीनोगैमी। यानी इट विल प्रिवेंट बोथ कौन ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी। इसका मतलब इट विल प्रिवेंट बोथ, ये दोनों को प्रिवेंट करेगा बोथ ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी। ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी एंड गीटनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी। कोई मुझे बताएगा डाइसियस प्लांट के एग्जांपल? नंबर वन, क्या एक डेट पाम था? भूल गया, डेट पाम के अलावा पपाया। तो बताओ डेट पाम और पपाया में ना तो होगी और ना तो होगी, क्योंकि इसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल। प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। देखिए भाई इसको तो ज्यादातर मैं बुक में उठाता नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ लाइनें 2012 में आई हुई क्वेश्चन की पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इन्हें समझने की कोशिश करिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, थोड़ा ओपन में टाइम लगता है इसमें। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम लोग को मालूम है कि ये वो डिवाइसेस हैं जो किसको किसको प्रिवेंट करेंगी, ऑटोगैमी और गीटनोगैमी। किसको किसको? ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगी, और किसको प्रिवेंट करेंगी? गीटनोगैमी। और किससे सपोर्ट करेंगी? ज़ीनोगैमी। यस, दीज आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना, एनसीईआरटी आपके सामने है। और जो जो मिलता जाए उसे एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन करते रहना। हेडिंग का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर? यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल प्लांट की फ्लावर, फ्लावर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन बताओ? लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग, इट इज नोन एज इनब्रीडिंग। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। किसे खत्म करना है? पता नहीं। और सेल्फ पॉलिनेशन कितने हैं? दो, एक कौन? ऑटोगैमी, दूसरा एंड सपोर्ट इनकरेज क्या? क्रॉस क्रॉस। और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ज़ीनोगैमी। अब देखना इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। क्या रुक जाएगा? क्या रुक जाएगा? ऑटोगैमी पक्का। Either pollen is released before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of pollen. बताओ पहली कंडीशन? पता नहीं। पहली कंडीशन प्रोटेंड्रस है और दूसरी प्रोटोगाइनस। अगर एंड्रूसियम पहले आ जाए प्रोटेंड्रस, और अगर गाइनीसियम पहले प्रोटोगाइनस। In some other species anther and stigma are placed different position so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. बताओ पास पास की दूर दूर?
बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. ये दोनों डिवाइसेस किसे प्रिवेंट करते हैं? ऑटोगैमी. मैंने दो बताई थी कि तीन? तीन. बोलो कौन कौन? फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल, यहां दो लिखी है, फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल, और एंड पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी नॉन सिंक्रोनस, और तीसरा उनकी पोजीशन साथ साथ की अलग 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 अलग. आगे सुनो. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये छोड़ दो, ये अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं मैंने. आगे सुनो. एनादर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बोलो कौन सा फ्लावर? बताओ. दो ये हो गए, तीसरा कौन सा हो गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. आई वॉन्ट टू सो यू कि मैंने किस तरीके से लिखा और एनसीईआरटी में कैसे लिखा मिलेगा. ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में से एक टॉपिक है. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाए तो बताओ क्या प्रिवेंट हो गई? क्या गीटनोगैमी भी प्रिवेंट हो गई? नो. गीटनोगैमी के चांसेस हैं? देखो, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर मीज मोनोइसियस. क्या बोला गया? बताओ फ्लावर कैसा? यूनिसेक्सुअल. प्लांट कैसा? बाईसेक्सुअल. बाईसेक्सुअल प्लांट इज मोनोइसियस. तो बताओ क्या प्रिवेंट हो गई, क्या प्रिवेंट नहीं हुई? इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गीटनोगैमी. ओके. एंड नाउ इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, दूसरा बोलो, डेट पा, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट की डिफरेंट प्लांट? एंड ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल. कंडीशन डाईसी. व्हाट इज डाईसी? मोनोइसियस की डाईसियस. मेल फ्लावर अलग प्लांट, फीमेल फ्लावर अलग. दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी. सर नहीं आया. मैंने ये पैराग्राफ का पोर्शन जानबूझ करके छोड़ा है कि मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इतना पढ़ा दूं जितना तुम्हें आना है. और देख लो यहां पर पॉइंट नंबर वन टू और यूनिसेक्सुअल फ्लावर थ्री और फिर डाईसी फोर. सर अभी भी नहीं आया, तो अब तो मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा चुका हूं, अब नहीं आया तो तुम बेवकूफ हो. चलो एक बार फिर वापस लौटते हैं और देखो क्या क्या लिखा. हमें गीटनोगैमी प्रिवेंट करनी है तो हमें क्या करना है? मोनोइसियस प्लांट. कैसे प्लांट? और बेटा इनमें क्या रुक गई है? ऑटोगैमी. फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल. बोलो. तो इनमें क्या रुक गई है? किसके चांस है? इन दोनों को प्रिवेंट करना है. तो बताओ प्लांट को मोनोइसियस करें कि डाईसियस? यानी एक प्लांट में सारे के सारे फ्लावर मेल और दूसरे में फीमेल. मोनोइसियस की डाईसियस? ऐसा दो जगह है, एक कौन? डेट पाम, दूसरा पपाया. इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी. अगर ये भी नहीं आ रहा तो मुझे चार बातें बताओ. तीन पहले बताई और एक डाईसी बताई. बोलो पहला पॉइंट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसको हटा दो. बोलो पहली, ऑटोगैमी होगी. बताओ पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ऑटोगैमी? अच्छा बताओ एंथर और स्टिग्मा दूर दूर ऑटोगैमी नहीं होगी? इन तीनों में ऑटोगैमी? फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो ऑटोगैमी, लेकिन फिर भी किसके चांसेस हैं? गीटनोगैमी है. हो सकता है कि मेल और फीमेल प्लांट मिले, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में हो. कंडीशन का नाम मोनोइसियस. बोलो क्या मेज और कैस्टर और कुकुरबिटेसी के एग्जांपल हैं? इनमें क्या नहीं होगी? ऑटोगैमी. क्या हो सकता है? क्या मुझे ऑटोगैमी और गीटनोगैमी दोनों रोकनी है? अब मैं क्या करूं? क्या मैं प्लांट को डाईसियस कर दूं? यानी एक प्लांट में जितने फ्लावर करूं वो मेल और दूसरे फीमेल. क्या रुक गया? ऑटोगैमी और गीटनोगैमी.
तो क्या पपाया और डेट पाम दोनों एग्जांपल हैं? Yes, किसको रोकने के? ऑटोग्राफी एंड इन चार मैकेनिज्म के अलावा बच्चों मेरे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइस में पांचवी मैकेनिज्म है, इट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पहले तो आप कॉम्पैटिबल का मतलब समझें। कॉम्पैटिबल का मतलब ही होता है मैचिंग। जब चीजें मैच कर जाएं, हम लोग बोलते हैं भाई हम लोग आपस में कॉम्पैटिबल हैं। और यहां है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब नो मैचिंग। तो किसके किसके बीच में कोई मैचिंग नहीं है? अगर पॉलन ग्रेन कैसा हो? सेल्फ। तो इसे समझने में थोड़ा टाइम भले लगे, लेकिन बेटा बिना समझे हां मत बोलना। सेल्फ पॉलन को अपनी स्टिग्मा कभी भी बेटा मैच नहीं करने देगी। सेल्फ पॉलन को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी। मैचिंग करेगी कि नॉन मैचिंग? नॉन। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। अगर जेनेटिक्स एग्जैक्ट मिल जाए, जेनेटिक मैकेनिज्म है, अगर ये जेनेटिक्स एग्जैक्ट मिल जाए तो वो मैचिंग नहीं करती है। अब इसे जरा विस्तार से समझिए। विस्तार से समझने का मतलब है कि मान लीजिए यहां पर एक एंड्रूसियम है और यहां पर एक गाइनीसियम है, तो इस एंड्रूसियम से निकलने वाला पॉलन ग्रेन, ये रहा वो पॉलन ग्रेन, इस स्टिग्मा के लिए अपना पॉलन ग्रेन है कि दूसरे का? अरे बेवकूफ, क्या ये फ्लावर सेम है? बताइए, मेरा ये वाला हाथ इस वाले हाथ के लिए सेल्फ कि नॉन सेल्फ? सेल्फ। तो मेरी इस हाथ से इस हाथ पर कोई चीज आई तो मैंने दूसरे से ली कि सेल्फ से ली? सेल्फ। तो मैंने अगर पॉलन ग्रेन इसको यहां से उठाकर यहां कर दिया तो ये मेरा पॉलन सेल्फ है कि नॉन सेल्फ? सेल्फ। तो कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में जो स्टिग्मा होती है, दिस स्टिग्मा इट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट नॉट रिकॉग्नाइज इट्स ओन पॉलन और इट्स सेल्फ पॉलन। अपने पॉलन ग्रेन को ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। यानी पॉलन ग्रेन गया भी यहां पर तो बताओ उसे जर्मिनेट होने देगी कि नहीं होने देगी? नहीं। तो बताओ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या ऑटोगैमी को रोक देगी? yes, पता नहीं। नो yes, सर yes, अच्छा बताओ दूसरी कंडीशन है ये कि ये एक फ्लावर है, इसमें है एंड्रूसियम, और ये एक फ्लावर है, इसमें है गाइनीसियम, और इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर गया, बताओ ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ? नॉन सेल्फ। क्या ये प्लांट सेम है? yes, अगर प्लांट सेम है तो जेनेटिक्स same. फ्लावर सेम है तो जेनेटिक्स same. तो ये वाला पॉलन ग्रेन इसके लिए सेल्फ कि नॉन सेल्फ? और ये वाला पॉलन ग्रेन इनके लिए भी सेल्फ? पक्का? yes, तो बताओ ये पॉलन ग्रेन यहां पर जाएगा तो बताओ रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं होगा? तो बताओ क्या नहीं होगी? बताओ क्या नहीं होगी? तो बताओ गीटनोगैमी होगी कि नहीं होगी? ऑटोगैमी भी नहीं होगी, गीटनोगैमी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर अपना सेल्फ का पॉलन ग्रेन है तो स्टिग्मा उसे रिकॉग्नाइज करेगी कि नहीं करेगी? सो दिस वाज द फिफ्थ डिवाइस जिसको हम लोग बोल रहे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये भी डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो क्या रोक देगी? ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी। ऑटोगैमी है गीटो। अब उस वाली लाइन को दोबारा पढ़ेंगे जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, जिसको मैंने कहा था कि भाई इसको अभी छोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे चलो। यहां पर बोथ दीज डिवाइसेस प्रीवेंट ऑटोगैमी। ये पहले के डिवाइसेस हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रीवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बोलो क्या है? एंड दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म है? जेनेटिक। एंड प्रीवेंट सेल्फ पॉलन, सेल्फ पॉलन मतलब अपने पॉलन को, फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट,
from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen growth in pistil. Pollination हो भी जाएगा लेकिन pollen grain germinate होगा कि नहीं होगा? नहीं, ठीक है। इस तरीके से बताओ दोनों चीजें prevent हो जाएंगी। बोलो कौन? Autogamy। और कौन? Gametogamy। ना होगी autogamy, ना होगी gametogamy। भाई अभी भी नहीं आया? नहीं आया? आया तो बताओ, मैंने तुमको कितनी चीजें दिखाई? पांच। क्या आप पांच चीजें बता पाओगे? Yes, तो जो लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में पांच चीजें मुझे समझा देंगे वो एकदम राजा बाबू समझ जाएंगे कि व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सबसे पहले तो व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इट इज अ लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल ब्रीडिंग। कॉन्टिन्यूअस सेल ब्रीडिंग हो जाए तो हाइब्रिड कैरेक्टर गेन की लॉस हो जाएंगे। yes, sir. क्या इसे रोका जा सकता है? yes, sir. क्या रोक कर? और क्या सपोर्ट करके? तो कोई डिवाइसेस हैं? अब बिल्कुल एकदम कंपोज करके जवाब दे देना, आप कभी मत भूलना। व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? दीज आर द मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गैमी एंड सपोर्ट। और कभी भी कोई ये टॉपिक पूछे, पांच चीजें बाहर निकालनी। कितनी? पांच। फ्लावर पक्का? yes, sir. स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा पांच पांच की दूर दूर। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मे बी प्रोटेंडस मे बी प्रोटोगाम पक्का? yes, फिर इसके बाद डाइसियस मोनोसियस की डाइसियस प्लांट होगा? yes, तो ना तो होगी ऑटोगैमी ना तो होगी। और पांचवा अपना पॉलन ग्रेन रिकॉग्नाइज, चाहे वो अपने फ्लावर का हो चाहे वो डिफरेंट फ्लावर का हो और सेम फ्लावर। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कितने डिवाइसेस? पांच। खैर बच्चों, इतना सब पढ़ते पढ़ते हमने पॉलिनेशन को पूरा कर लिया। अंततः हमें मालूम चल गया कि पॉलिनेशन तो सर सक्सेसफुल हो चुका है। अब कुछ लोग तो यहां तक आते आते पॉलिनेशन भूल गए। बताओ ये स्टेमेन था? अच्छा, स्टेमेन का ये पार्ट क्या था? फिलामेंट। हाँ, और ये पार्ट क्या था? एंथर। क्या ये एंथर था? और क्या यहां से पॉलन ग्रेन बना था? और क्या ये पॉलन ग्रेन यहाँ की स्टिग्मा तक पहुंचा था? और स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का पहुंचना मतलब बेटा दिल्ली आ गई क्या? नहीं, मालूम है यहाँ पर क्या होगा? ओव्यूल। फिर से बोलो। और ओव्यूल में होगा सैक, सैक का नाम। और एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमिट होगा और पॉलन ग्रेन में मेल गैमिट। तो अभी हमने क्या अचीव किया है? फर्टिलाइजेशन की पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हो जाना क्या इस बात की गारंटी है कि फर्टिलाइजेशन भी होगा? यस सर। पॉलिनेशन हो जाना ये इस बात की गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, क्योंकि बेटा दिल्ली अभी बहुत दूर है। कैसे दूर है? जब तक ये क्या नहीं बनाएगा पॉलन ट्यूब, जब तक मेल गैमिट मूव और फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज, जायगोट एम्ब्रियो सीड फ्रूट, तब तक बेटा प्रोसेस पूरा नहीं होगा। इसका मतलब खाली पॉलिनेशन कर लिया तो जग जीत लिया, ऐसा कोई नहीं बात नहीं है। तो बुक बोलती है पॉलिनेशन इज नॉट द गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। नीट का एग्जाम देना कोई गारंटी थोड़ी ना कि तुम सेलेक्ट हो गए और एमबीबीएस मिलेगा। अभी नीट का एग्जाम दिया भाई, आपने एग्जाम दे दिया, आप तो सेलेक्ट नहीं हुए तो अभी आपको मेडिकल सीट नहीं मिलेगी। पॉलिनेशन हो जाना ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको फर्टिलाइजेशन भी मिल गया। तो बोले भाई पॉलिनेशन के बाद अब क्या होगा जो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करे? तब मैं कहता हूं कि पॉलन और पिस्टिल, ये है पॉलन और ये कौन है? पिस्टिल। आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेक्ट।
तो अगला टॉपिक होना चाहिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पॉलिनेशन के बाद भी ये देखा जाएगा कि पॉलन पिस्टिल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, एंड दैट इज नोन एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सो पॉलिनेशन इज द गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन? नो, इट इज नॉट द गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी बात होगी? इंटरेक्शन. किसका इंटरेक्शन? क्या पॉलन यहां पहुंच चुका है? yes, और अभी पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है. दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलन. अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या देखना है? इट इज अ जर्नी. और हमें क्या देखना है? देखना यह है कि जो पॉलन ग्रेन हमारी स्टिग्मा तक पहुंचा है वो पॉलन ग्रेन ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक तक कैसे पहुंचेगा, यानी कि पॉलन ट्यूब का बनना. यानी पहला पॉइंट हमें देखना है पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन. मैं स्टेप लिखा दे रहा हूं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या क्या देखना है. वन इज नोन एज किसका जर्मिनेशन? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन. तो पहला पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है कि जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, ये पता करेंगे होगा कि नहीं होगा. होगा क्यों? ऐसे मत बोलो कि होगा ही. जो पॉलन ग्रेन यहां आया है पहली लड़ाई क्या है? इस बात की लड़ाई है कि जर्मिनेशन होगा. जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब. फिर से बोलो. और अगर पॉलन ट्यूब बन गया तो पॉलन ट्यूब का ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा? दूसरी समस्या है कि ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा. किसका? और तीसरी समस्या यह है कि पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में होगी कि नहीं होगी एंट्री. और जब ये हो जाएगा तब बेटा मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. तो बताओ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कितनी चीजें देखनी है? तीन. नंबर वन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टू फॉर्म पॉलन ट्यूब. दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल एंड एंट्री इनसाइड द ओव्यूल. कौन? पता नहीं. और इसीलिए मैं पूछने लगता हूं, जवाब नहीं आते तो गुस्सा आती. क्या आपको याद है एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस था? yes, sir. और एग अपरेटस में तीन सेल थी. yes, sir. एग सेल थी. yes, sir. सिनर्जिट थी. yes, sir. सिनर्जिट के पास फिलीफॉर्म अपरेटस थे. केमिकल निकाल रहे थे. yes, sir. किसे बुला रहे थे? पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब सिनर्जिट की तरफ चला जा रहा है. yes, sir. चला जा रहा है. पॉलन ट्यूब बन रहा है. और पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया. नहीं आया? तो बताओ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कितनी स्टेप देखने हैं? तीन. नंबर वन. नंबर टू, ट्रांसमिशन. नंबर थ्री, एंट्री. तो पहली जद्दोजहद है कि भाई ये ट्रांसमिशन के सॉरी ये जर्मिनेशन होगा कि नहीं. सो भाइयों बहनों ध्यान से देखिए, जिस समय स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंचा है अभी हम यही श्योर नहीं है कि ये पॉलन ग्रेन राइट है कि रॉन्ग है. यानी हमें अभी ये देखना है कि ये पॉलन ग्रेन हमारे कॉम्पैटिबल है कि नहीं. बिल्कुल वो एकदम एरिया शांत रहना चाहिए और इधर ध्यान देते रहो. ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहे, इतनी दांते बार फाड़ रहे हो तुम बाहर. पता पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है. yes, और अभी मैं देखना है कि पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है कि नहीं. और पॉलन ग्रेन कंपेटिबल नहीं है तो बेटा राइट पॉलन ग्रेन की रॉन्ग? हाँ. अगर पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है तो राइट. अब आम की स्टिग्मा है और नीम का पॉलन ग्रेन आ गया. नहीं सर, रॉन्ग नहीं, राइट है. नीम की स्टिग्मा है, आम का पॉलन ग्रेन आ गया.
अगर बताओ तो रॉन्ग पॉलन ग्रेन का मतलब है पॉलन फ्रॉम सेम स्पीसीज की डिफरेंट स्पीसीज. सो पॉलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, इट इज कंसीडर्ड एज इनकंपैटिबल और द रॉन्ग पॉलन. ओके, द सेकेंड वन, आम के पेड़ पर आम का पॉलन ग्रेन, नीम के पेड़ पर नीम का पॉलन ग्रेन, राइट की रॉन्ग? राइट. सो पॉलन फ्रॉम सेम स्पीसीज, अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन पहुंचा है तो बताइए वो राइट है कि रॉन्ग? पता नहीं. डिफरेंट स्पीसीज का है तो, अगर सेम स्पीसीज का है तो राइट. एनसीईआरटी यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछती है, क्या यह पॉसिबल है कि पॉलन फ्रॉम सेम स्पीसीज, पॉलन फ्रॉम सेम स्पीसीज भी रॉन्ग पॉलन हो जाए? यस और नो? कब? कब? जब आम का पॉलन ग्रेन आम की स्टिग्मा पर गिरे लेकिन उसमें क्या हो? सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी. बोलो क्या हो? तो अपना पॉलन वो रिसीव करे कि नहीं रिसीव? आम आम को रिसीव करेगा लेकिन अपने ही पेड़ का कि दूसरे पेड़ का? दूसरे पेड़ का. तो दूसरा पेड़ भी सेम स्पीसीज की डिफरेंट? डिफरेंट. दूसरा पेड़ हो गया तो स्पीसीज तो डिफरेंट हो गए, सेम हो गई. ऐसे केस में पॉलन फ्रॉम सेम स्पीसीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. कब? जब क्या हो? सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी. और क्या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी हर प्लांट में पाई जाती है? नो. यस सर नहीं? इसका जवाब है नो. हर प्लांट में सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी नहीं पाई जाती, लेकिन जिन प्लांट में सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी पाई जाती है उन प्लांट में अपनी स्पीसीज का और अपने ही पेड़ का पॉलन ग्रेन अगर आ जाए तो बताओ वो राइट होगा कि रॉन्ग? तो अभी तो जद्दोजहद इस लेवल पे चल रही है, जर्मिनेशन के लेवल पर. अभी तो लड़ाई यहां तक चल रही है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है. इसलिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सबसे पहला डिसीजन क्या होगा? जर्मिनेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या डिसाइड होना है? राइट और रॉन्ग. अब बताओ रॉन्ग पॉलन ग्रेन को? अलग स्पीसीज का पॉलन ग्रेन राइट होगा कि रॉन्ग? कभी कभी सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन भी. कब? जब वो अपने ही प्लांट से आया हो और उसमें क्या हो? सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी. क्या हो? और राइट पॉलन कब होगा? जब वो अपनी स्पीसीज का आया हो और सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी. अब सुनो, जो राइट पॉलन है उसका होगा सिलेक्शन, भाई तुम सिलेक्ट हो गए. और जो रॉन्ग पॉलन ग्रेन है उसका होगा रिजेक्शन, आप रिजेक्ट हो गए. और सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रभाव पड़ेगा. जिसका हुआ है सिलेक्शन उसको मिलेगा जर्मिनेशन, उसको मिलेगा जर्मिनेशन तो बेटा उससे बनेगा ट्यूब. क्या बनेगा? और इस ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब. फिर से बोलो, पॉलन ट्यूब. क्या आपको पॉलन ग्रेन में दो सेल याद है? बड़ी वाली का नाम वेजिटेटिव, छोटी वाली का नाम जनरेटिव. याद है? बताओ बाहर वाली लेयर एग्जाम, अंदर वाली? क्या बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल थी? क्या यही ट्यूब सेल कहलाई? क्या इसी ने पॉलन ट्यूब बनाया? और इसमें जनरेटिव सेल है. बताओ कितनी सेल स्टेज का बंदा है? टू सेल. बोलो, कभी कभी पॉलन ग्रेन में तीन सेल होती हैं? बोलो, बड़ी वाली का नाम वेजिटेटिव सेल. बोलो क्या नाम है? और छोटी वाली एक सेल की दो सेल? क्या ये दोनों मेल गैमिट है? इसका मतलब जनरेटिव सेल यहां पर डिवाइड नहीं हुई है और यहां पर डिवाइड. यहां पर कितनी सेल और यहां पर? क्या ये भी पॉलन ग्रेन है? क्या ये भी पॉलन ग्रेन है?
बताओ ये जो पॉलन ग्रेन है भाइयों बहनों, इसमें कितनी सेल? हाँ, और ऐसी कंडीशन मोर देन 60% होता है, और ऐसी कंडीशन लेस देन 40%। तो आप जो मैं पूछूं उसका जवाब दोगे, इसका मतलब तुम दो दिनों से मुझे सही ढंग से सुन रहे हो, और नहीं तो नहीं सुन रहे हो। अभी मैंने कौन सी मुसीबत खत्म की है? सर जर्मिनेशन तो मिल गया, किसको मिला? सारे पोलन ग्रेन। राइट की रॉन्ग? सेम स्पीसीज नहीं, सेम स्पीसीज कहना बंद कर दो। कौन सा पोलन? राइट और रॉन्ग। क्या राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन है? अब राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन में क्या पढ़ाया? सेम स्पीसीज तो कभी कभी सेम स्पीसीज का भी, तो सेम स्पीसीज कह के तुम राइट हमेशा नहीं कह सकते। कभी कभी सेम स्पीसीज का राइट, कभी कभी सेम स्पीसीज का रॉन्ग। कब सेम स्पीसीज का रॉन्ग? जब क्या होगा? सेल्फ इनकम। और डिफरेंट स्पीसीज का तो रॉन्ग है ही। तो बोलते हैं सर पता कैसे चलता है कि अपनी स्पीसीज का है कि नहीं है, कि डिफरेंट स्पीसीज का? दे हैव सम केमिकल डायलॉग्स। ये शब्द याद रखिएगा, केमिकल डायलॉग्स। And what are the chemical dialogues? Pollen grain have some chemicals, और इन chemical को receive करने के लिए stigma have some receptors. Stigma के पास receptors हैं, उन receptors से वो pollen grain के chemical को receive करती है। अगर chemical उसके लायक हैं, तो बताओ right हुआ कि wrong हुआ? Right. अगर केमिकल उसके लायक नहीं है तो राइट हुआ कि रॉन्ग? कब वो राइट मानेगी? जब वो सेम स्पीसीज का हो और सेल्फ इनकंपेटिबिलिटी ना हो। और कब उसे रॉन्ग मानेगी? जब वो डिफरेंट स्पीसीज का हो और सेम स्पीसीज का हो और क्या हो? सेल्फ इनकंपेटिबिलिटी। तो बताओ पॉलन कितने तरीके से बिहेव कर सकते हैं? दो, या तो राइट या तो रॉन्ग। और अब मैं सेम स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा किसका सिलेक्शन, किसका रिजेक्शन? जो राइट है उसे जर्मिनेशन मिलेगा? जर्मिनेशन का मतलब है क्या वो ट्यूब बनाएगा? ट्यूब का नाम? हाँ, और पॉलन ट्यूब में कौन चलेगा ये डिपेंड करेगा। बताओ यहां पर कितनी सेल है? दो। भूल गए, कितनी सेल? बड़ी वाली, छोटी वाली? और यहां पर कितनी सेल है? तीन। बोलो कितनी है? बोलो, बड़ी वाली वेजिटेटिव और छोटी वाली जनरेटिव। जनरेटिव छोटी वाली कितनी सेल? दो। और दोनों मेल गैमेट की फीमेल गैमेट? बताओ मैंने कौन सी लड़ाई जीती? अभी क्या बाकी है? ट्रांसमिशन। आगे बढ़ जाएं? इसे हटा दें? जवाब दोगे? बताओ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कितनी जगह देखा जाएगा? जितने लोगों को दिख रहा है वो बताएं कितनी जगह देखा जाएगा? तीन। तीनों जगह याद है? पहली जगह जर्मिनेशन, दूसरा, तीसरा, शाबाश। जर्मिनेशन वाली जगह के लिए पहले कंपेटिबल पॉलन ग्रेन ढूंढा जाएगा। कंपेटिबल पॉलन ढूंढते वक्त दो तरीके के पॉलन आएंगे, या तो शाबाश, या तो राइट या तो राइट की डेफिनेशन है, रॉन्ग की है। राइट को मिलेगा सेलेक्शन और रॉन्ग को रिजेक्शन। रिजेक्शन हुआ तो जर्मिनेशन, और सेलेक्शन हुआ तो जर्मिनेशन, और क्या बनाने को मिलेगा? पॉलन ट्यूब। क्या बनाने को मिलेगा? अब देखना, जर्मिनेशन हो गया, मैं ट्रांसमिशन की तरफ चल रहा हूं। ये रही स्टिग्मा, ये रही स्टाइल, और ये रही ओवरी। थैंक यू। एक और बना दूं ताकि आपको दिखाई पड़े कि मैं दो कंडीशंस डील कर रहा हूं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। भाइयों बहनों, यहां पर पॉलन ग्रेन आ चुके हैं और सेलेक्ट हो चुके हैं, और सेलेक्ट होकर के डिसाइड हो गया कि ये राइट पॉलन है। कैसा पॉलन है? राइट। और ये मोर देन 60% के केसेस का मामला है। मोर देन 60% का मतलब शाबाश, कितना सेल? टू सेल। और लेस देन 40% में कितना मामला है? हाँ, थ्री सेल वेजिटेटिव और दो मेल गैम। इनको भी मान लिया गया कि भाई साहब आप सेलेक्ट हो गए, और इनको भी मान लिया गया कि भाई साहब आप सेलेक्ट हो गए हो, लेकिन दोनों कंडीशन अलग है।
मोर देन 60% केसेस में दो सेल है, वेजिटेटिव सेल है और जेनरेटिव, और इसमें कितनी है, तीन। तीन सेल वाले को कुछ नहीं करना है, सीधे ट्यूब बनाना है, और ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब। बोलो क्या नाम है? और पॉलन ट्यूब बनाते ही उसमें अपने दोनों मेल गैमिट उतार देने, लेकिन जो टू सेल स्टेज वाला था ये भी थ्री सेल स्टेज बनाएगा, और इसको बनाने के लिए बेटा पॉलन ट्यूब बनाने के पहले अपनी जनरेटिव सेल को डिवाइड करके कितने गैमिट बनाने पड़ेंगे, अल्टीमेटली ये भी कितनी सेल्ड हो जाएगा, थ्री सेल, और ये भी कितना था, थ्री सेल। ये पहले से थे, ये पहले से दो सेल थे, आप कितने हुए, तीन सेल। नहीं आया तो बताओ, अंततः जो जर्नी है जिसे बोल रहे ट्रांसमिशन, क्या ट्रांसमिशन, वो टू सेल स्टेज में होगी कि थ्री सेल? थ्री सेल। तो जो टू सेल आया था उसको भी थ्री सेल, और जो थ्री सेल आया था वो तो थ्री सेल है ही, और ट्रांसमिशन के दौरान उसे स्टिग्मा को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर स्टिग्मा है सॉलिड, बोलो क्या है, तो बताओ इन सॉलिड टिश्यू को क्रॉस करना पड़ेगा, स्टिग्मा इज अ सॉलिड थिंग, तो इसे क्रॉस करना पड़ेगा, और सॉलिड स्टिग्मा के इन टिश्यूज का नाम होता है ट्रांसमिशन टिश्यू। बोलो कौन से, ट्रांसमिशन टिश्यू, और इन ट्रांसमिशन टिश्यू के थ्रू पॉलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगा। पॉलन ट्यूब नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के पास है सिनर्जिड्स। बोलो क्या है, और भाइयों बहनों सिनर्जिड निकाल रही है केमिकल्स, क्या निकाल रही है, और इन केमिकल को देखकर पॉलन ट्यूब खिंचा चला आ रहा है। यहां देखो, ये है ओव्यूल, ये है एम्ब्रियो सैक, ये है एग अपरेटस, एग अपरेटस के अलावा वहां पर है सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स क्या निकाल रही है, केमिकल, और क्या उन केमिकल को देखकर पॉलन ट्यूब मूव कर रहा है, पॉलन ट्यूब एक्चुअली मूव कर रहा है कि पॉलन ट्यूब का कर्वेचर मूव कर रहा है, क्या पॉलन ग्रेन जहां था वही है, उसका क्या मूव कर रहा, कर्वेचर, और जितने भी कर्वेचर के मूवमेंट होते हैं किसके, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की लोकोमोशन, दिस इज द मूवमेंट ऑफ, पर दिस इज अ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मैं अपनी जगह हूं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ओके। तो बेटा इनमें जो कर्वेचर के मूवमेंट होते हैं, दुनिया के जितने भी कर्वेचर के मूवमेंट होते हैं, दीज आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, बोलो क्या नाम, और ये केमिकल को देखकर अपना कर्वेचर बदल रहा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बोलो कैसा, और इनका भी मूवमेंट कैसा होगा, कीमोट्रॉपिक। तो बताओ इट इज अ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की कर्वेचर, और अगर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन होता तो शब्द आता टैक्सिस, क्या आता, अगर केमिकल को देखकर मैं केमिकल की तरफ मूव करने लगूं लोकोमोशन, तो बताओ कीमोट्रॉपिक की कीमोटैक्सिस, तो बताओ इनका टैक्सिस मूवमेंट है कि ट्रॉपिक, जैसे रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है, जियोट्रॉपिक स्टेम लाइट की तरफ जाता है, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जाता है कि लोकोमोशन, लोकोमोशन। पौधा लोकोमोट करता है, आज नीम का पौधा मेरे घर के बाहर था, परसों पड़ोसी के घर के बाहर मिला, मैंने नीम के पौधे से कहा देखो भैया जिसने लगाया उसी के दरवाजे पे रहा करो, वो नहीं माना, बोले नहीं पड़ोसी तुम्हारा जो है अच्छी अच्छे खाने पदार्थ देता, मैं उधर ही जाऊंगा, आइटमों का एक कुत्ता है कि पेड़ है अंतर देखो, पेड़ अपनी जगह बदलते हैं। तो बताओ अगर मूव भी कर रहे हैं तो लोकोमोशन की कर्वेचर, कर्वेचर, और कर्वेचर के मूवमेंट टैक्सिस है कि ट्रॉपिक, ट्रॉपिक, टैक्सिस की ट्रॉपिक, और बताओ यहां पर पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट हो रहा है वो टैक्सिस है कि ट्रॉपिक, तो क्या वो केमिकल की तरफ मूव कर रहा है, यस सर, किन टिश्यू के थ्रू मूव कर रहा, ट्रांसमिशन टिश्यू, बोलो किसे, एक साल नीट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर सॉलिड है तुम्हारी स्टिग्मा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं,
रोका भी नहीं किसी ने. आई एम वेरी मच सॉरी. ये क्या है? स्टाइल. ये क्या है? स्टिग्मा. अगर बेटा सॉलिड है स्टाइल, क्या है? सॉलिड स्टाइल है, तो बताओ उस स्टाइल में जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसमिशन टिश्यू. क्या ट्रांसमिशन टिश्यू को पेनिट्रेट करता हुआ पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है? पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करते 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 पहुंचा बेटा ओव्यूल के पास. मैंने एम्ब्रियो सैक बोला कि ओव्यूल बोला? यस सर, ओव्यूल के पास पहुंचा. अब ओव्यूल के अंदर एंट्री के तीन रास्ते. अब तीसरा पॉइंट था एंट्री, भूल गए. जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन, एंट्री. पक्का? जर्मिनेशन के बाद ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद एंट्री. एंट्री के तीन तरीके. या तो पॉलन ट्यूब चलेजा से घुस जाए, दैट इज नोन एज चलेजोगैमी. बोलो क्या नाम है? चलेजोगैमी. या तो पॉलन ट्यूब चलेजा से ना घुस के इंटेग्यूमेंट से घुसे. किससे घुसे? इंटेग्यूमेंट. ये कंडीशन यहीं से घुस जाए तो, अगर इंटेग्यूमेंट से घूमे तो मीजोगैमी. बोलो क्या नाम है? मीजो. और भाइयों बहनों, अगर वो माइक्रोपाइल से एंट्री मारे, माइक्रोपाइल से एंट्री मारे, देन इट इज नोन एज पोरोगैमी. बोलो क्या नाम है? पोरोगैमी. तो बताओ कितने तरीके के एंट्री के रास्ते हैं? बोलो कौन? चलेजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी, जिसमें से मोस्ट कॉमन इज पोरोगैमी. The most common way is porogamy. तो एंट्री भी हो गई. पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के तीनों स्टेप मैंने पढ़ा दिए. बोलो. जर्मिनेशन कैसे डिसाइड होगा? राइट एंड रॉन्ग. फिर क्या होगा? ट्रांसमिशन. क्या फोटोट्रॉपिक की कीमोट्रॉपिक? कीमोट्रॉपिक. और एंट्री के कितने तरीके? तीन. बोलो कौन? और थोड़ी देर रुक करके सांस लेकर के सोचो, ये जो एंट्री है, ये एंट्री मैंने एम्ब्रियो सैक में कराई है कि ओव्यूल में? अभी एम्ब्रियो सैक में एंट्री नहीं कराई. और सब लोग ध्यान से सुनो, आप चलेजोगैमी करो, आप चलेजोगैमी करो कि मीजोगैमी करो कि पोरोगैमी करो, आप एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक विल ऑलवेज बाई सिनर्जिट्स. बाई सिनर्जिट्स. नहीं आया? बताओ ओव्यूल में एंट्री का कितने रास्ते? लेकिन एम्ब्रियो सैक में एक. तीन की एक. क्योंकि बुला कौन रहा है? सिनर्जिट्स. कौन बुला रहा? तो पहुंचना कहां है? तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हम यहां से पहुंचेंगे बिल्कुल एकदम बैरियर तोड़ते ताड़ते यहां पहुंचेंगे. नहीं, आपको पहुंचना था. तो ओव्यूल में एंट्री के कितने रास्ते? पहला चलेजोगैमी, दूसरा, तीसरा. आप चलेजोगैमी किए तो क्या बेटा आप एंटीपोडल सेल से घुस जाओ? मीजोगैमी किए तो क्या सेंट्रल सेल से घुस जाओ? पोरोगैमी किए तो क्या बेटा सिनर्जिक से घुस हो गए? यस. आप इससे भी सिनर्जिक, इससे भी सिनर्जिक, इससे भी सिनर्जिक. तो बताओ ओव्यूल में घुसने के कितने तरीके? तीन. बोलो कौन? चलेज हो गए, नीज हो गए, और हो गए. लेकिन एम्ब्रियो सैक में घुसने के एक तरीका. बोलो कौन? सिनर्जिक. तो आओ एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री मारते हैं. अब मैं ओवरी नहीं बनाऊंगा, ओव्यूल बनाऊंगा. इफ दिस इज अ ओव्यूल, and this is a embryo sac, this is a egg apparatus, इसमें से ये egg cell, बाकी ये synergids. आप ovule के अंदर चलेजा से घुस सकते हैं, integument से घुस सकते हैं, micropyle से घुस सकते हैं, लेकिन आप कैसे भी entry करें आप जाएंगे कहां पर? सिनर्जिट्स.
और सिनर्जिड्स के बाद जब पॉलन ट्यूब पहुंचा, भाइयों बहनों, पॉलन ट्यूब जब सिनर्जिड्स के पास पहुंचा है, उस समय तक पहुंचते पहुंचते उसके पास कितने मेल गैमीट हैं? कितने? और दोनों मेल गैमीट फीमेल गैमीट को देख रहे हैं। ये वाला गैमीट मेल की फीमेल, और ये सिनर्जिड, ये क्या है? ये मेल गैमीट ने फीमेल गैमीट को देखा, लेकिन फीमेल गैमीट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बुला कौन रहा था? सिनर्जिड। अब खुद सोचो, ये रही सिनर्जिड की कोशिका और ये रही पॉलन ट्यूब की कोशिका, ये लेके आए हैं मेल गैमीट और इनके पास है अपना साइटोप्लाज्म, लेकिन इनके पास भी सेल वॉल और इनके पास भी सेल वॉल, बताओ दोनों मिक्स हो पाएंगे कि नहीं? इसलिए दो काम होंगे, पहले तो सिनर्जिड रप्चर होगी, पॉलन ट्यूब रप्चर होगा, और रप्चर्ड सिनर्जिड में किसमें बेटा? पॉलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमीट भेज देगा। कौन कौन रप्चर हुआ? केवल सिनर्जिड। पॉलन ट्यूब भी बस्ट हुआ, सिनर्जिड भी रप्चर हुई, दोनों की एक, कोई एक, एक सिनर्जिड कोई रप्चर हुई, और रप्चर सिनर्जिड में दोनों मेल गैमीट छोड़ दिए गए, और दोनों मेल गैमीट छोड़ते ही खत्म हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या खत्म हो गया? तो कोई बोले पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहां से शुरू हुआ था? पॉलिनेशन के बाद से, और कब तक चलता रहा? जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में ना घुस गया कि सिनर्जिड्स में, और सिनर्जिड में जब एंट्री किया तो सिनर्जिड बची रही कि रप्चर हो गया? बताओ सिनर्जिड बची कि डीजनरेट? डीजनरेट। मैं चाहूंगा कि ये डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी में जरूर देखें। आ जाओ भैया, हाँ ये देखिए, अगर आप ये डायग्राम सही से देख पाएंगे तो देखिए, ये रहा पॉलन ट्यूब जो सिनर्जिड्स के पास आया है, और यहां पर सिनर्जिड्स के पास आते ही सिनर्जिड बची कि बेटा रप्चर हो गई? रप्चर, और उसने अपने दोनों मेल गैमीट छोड़ दी। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान जिस समय पर गैमीट छोड़े जाएंगे मेल गैमीट, वो एग सेल में छोड़े जाएंगे कि सिनर्जिड्स? और दोनों सिनर्जिड में किसी एक, और कौन सी सिनर्जिड जो इंटैक्ट है कि डीजनरेटेड? डीजनरेट, इंटैक्ट, डीजन। कौन सी सिनर्जिड जो बची है कि जो रप्चर हो गई? रप्चर। तो ऑल द इवेंट, पहले अंग्रेजी में सुन लो फिर हिंदी में, ऑल द इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन अप टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ऑल दीज इवेंट आर इंक्लूडेड इन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हिंदी में, जब से पॉलिनेशन हुआ उसके बाद से जब तक पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में ना एंट्री कर ले, किसमें? एम्ब्रियो सैक, तब तक के बीच के जितने भी इवेंट हैं क्या कहलाएंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और जो होशियार बच्चे होंगे ये दोनों डेफिनेशन नहीं मारेंगे रट्टा, जो होशियार बच्चे होंगे वो कहेंगे तीन ठौ काम है। कितने? कितने? पहला जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन, एंट्री। और यही लोग होशियार हैं, अरे बोले पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या पढ़ना भाई? कुछ नहीं पढ़ना भैया, केवल तीन काम पढ़ने। बोलो कौन कौन? जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन, एंट्री। तो वो घबरा जाएगा, ये कहां लिखा है एनसीईआरटी में? लिखा नहीं है, पूरा पैराग्राफ में यही तीन बातें आती है। पहला कौन? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के लिए राइट और रॉन्ग, या तो राइट या तो रॉन्ग, कौन राइट कौन रॉन्ग डिसाइड होगा? सेम स्पीसीज राइट, डिफरेंट स्पीसीज, कभी कभी सेम स्पीसीज भी, जिसका जो राइट है उसका सेलेक्शन, जो रॉन्ग है उसका रिजेक्शन, जो राइट है सेलेक्शन, जो रॉन्ग है सेलेक्शन हुआ तो क्या मिलेगा? जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन हुआ तो क्या बनाएंगे? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में हमेशा कितनी सेल चलेंगी? दो मेल गैमीट चलेंगे, क्योंकि ट्यूब सेल तो खुद साथ में चलेगी, पर जो लोग एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल लेके आए थे, क्या वो भी दो मेल गैमीट बनाएंगे? अंततः हर बंदे को कितनी सेल का बनना पड़ेगा? तीन। तीन सेल का बन करके दो सेल अंदर ले जानी पड़ेगी, दोनों सेल का नाम मेल गैमीट। मेल गैमीट बेटा स्टिग्मा से निकलेंगे, स्टिग्मा सॉलिड हो सकती है, टिश्यू का नाम ट्रांसमिशन ट्यूब, बताओ इस मूवमेंट का नाम कीमोटैक्सिस,
कीमोटैक्सिक कीमोट्रॉपिक, फिर एंट्री का समय आएगा। एंट्री कितनी जगह करनी है? दो दो। पहले कहाँ? ओव्यूल, फिर एम्ब्रियोस। ओव्यूल में घुसने के कितने तरीके? तीन। पहला चलेजोगैमी, मीजोगैमी, ओरोगैमी। चलेजा से घुसे तो चलेजोगैमी, इंटेग्यूमेंट से तो माइक्रोपाइल से तो ओरोगैमी, लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंट्री का एक रास्ता वो कौन? सिनाजी अपरेटस से। कौन से? फिलीफॉर्म अपरेटस। केमिकल निकल रहे थे उनको देख करके बेटा पॉलन ट्यूब पहुंचा और दोनों बस्ट हुए। कौन? पॉलन ट्यूब और बेटा मेल गैमिट छोड़े गए किसमें? सिनर्जी। तो क्या यहाँ पर आकर इवेंट पूरा हुआ? कौन सा? पॉलन स्टिल। पक्का? नाउ अ स्मॉल टॉपिक जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन एनसीईआरटी में दोबारा आता है तो मेरा हक है पढ़ाना। इट इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वैसे कल मैं इसमें बहुत बेटा मेहनत कर चुका हूं इसलिए आज इसमें मेहनत नहीं करना है। हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को समझना है और समझ करके एक बार उस डेफिनेशन को रिवाइज कर देना है। अच्छा भाई, कल मैंने आपको सिखाया था कि देयर मे बी अ प्लांट ए, भूल गए? याद है? और देयर मे बी अ प्लांट बी, दो प्लांट हैं वहां मेरे बच्चे, दो प्लांट हो गए और इन दोनों के पास डिजायर्ड करेक्टर है। कैसे करेक्टर है? डिजायर्ड। घड़ी की तरफ मत देखो। अच्छा हाँ, कल की और एक इंफॉर्मेशन है। मैं सोच रहा था जल्दी क्लास ले लूं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 बजे कहीं और पढ़ते हैं तो वो बेटा नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग की कल की मॉर्निंग की क्लास 11:30 बजे रहेगी। कितने बजे? आप लोग 11:30 बजे आइए और मेरे साथ एक दो घंटे गुजारिए, पढ़ाई करिए। हाँ, शाम की क्लास कल नहीं होगी। शाम की क्लास क्यों नहीं होगी वो आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको कल के लिए अच्छा पढ़ा दाते मारा जो। ऐसा ना हो कि इस बात में कभी लोग मुस्कुराए ना, ऐसा ना हो। ऐसा क्या हो गया बेटा, कल उपवास है क्या? उधर के लड़के बहुत ज्यादा वाचाल रहते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं, इधर ही रहना ध्यान से। तो इन्फॉर्मेशन समाप्त हुई, समाचार समाप्त हुए। कल की सुबह की क्लास 11:30 बजे है और शाम की क्लास नहीं है। परसों मिलेंगे फिर सुबह, तो कल तो पहले मिल ही रहे। अब एक प्लांट ए है भाई, 20 मिनट सही से ध्यान दो, इतनी दूर तक चले आए हो, 20 मिनट और ध्यान दे दो, उसके बाद घर जाओ, मजे करो, चपेड़े पुलिया जाओ, बदनाम चाय में जाओ, एक एक चाय मार। कुछ लोग कितने लोग? अच्छा देखो, दो लोगों से अपना मर्ज नहीं छुपाते, एक टीचर और एक डॉक्टर, और मैं दोनों। ऐसे चलो दोस्ती दोस्ती में बताओ कितने लोग पीते हैं? कितने लोग? अरे बताओ बताओ, अरे बताओ, बहुत सारे लोग। बेटा ये आपके लंग्स में इतना टार पैदा करेगा जिससे आप बीमार। मेरा नाम मुकेश है, मैंने तमाकू खाई थी। देखो ये सब गंदी आदतें हैं, इनको जितने जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। आप ध्यान से दो, खुश हो गए, बस इतना पढ़ाते पढ़ाते 10-12 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इधर उधर की बातें कर दो, बड़े चार्ज अप हो जाते हैं। यस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आएगा। मैंने कहा ये प्लांट ए है और इस प्लांट के पॉलन ग्रेन को मैंने उठाया और इस प्लांट में बड़े डिजायर्ड क्वालिटी के करेक्टर हैं, डिजायर्ड करेक्टर है। अब मैं कल वाले करेक्टर नहीं लिखूंगा वरना तुम्हें लगेगा कि वही करेक्टर फिर से लिख दे, वही कोई भी डिजायर्ड करेक्टर हो सकता है। और मैंने इस वाले प्लांट की स्टिग्मा पे डाल दिए। तो बताइए ये ऑटोगामी हो रही है, गीटनोगामी हो रही है, क्या हो रही है? जीरो। बहुत बढ़िया, देखो दिमाग कितना खुल गया।
क्या हो रही है? जीनोगैमी। और अगर ये जीनोगैमी नेचर से करे, नेचर ही कर दे, नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल। यानी एक पॉलन ग्रेन, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पॉलन स्टिग्मा पर डाल दिया गया और ये हवा ले गई, इंसेक्ट ले गया, पानी ले गया, तो बताओ नेचुरल कंडीशन पे हुआ। इस तरीके से नेचुरल कंडीशन पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम नेचुरल की आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। लेकिन इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, इंसान से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं। इंसान पहले चूज करेगा कि हम तुम्हारा पॉलन ग्रेन ले जाएं कि इंसान कहेगा कि हम ही तुमको अपने मन से यहां पहुंचाएंगे। बताओ इसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट है कि इंसान? तो भगवान अगर कोई काम करे तो बताओ कैसा है? नेचुरल। और इंसान अगर करे तो आर्टिफिशियल। तो यह भी जीनोगैमी है, लेकिन इस जीनोगैमी में नेचर का रोल है कि साइंटिस्ट का? और साइंटिस्ट की ये दादागिरी है कि वो जिसको चाहेंगे उसका पॉलन ग्रेन उठाएंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। और साइंटिस्ट की ये दादागिरी है कि वो जिसकी स्टिग्मा में चाहेंगे उसकी स्टिग्मा में से डिपॉजिट करेंगे। नेचर ये नहीं कहते, नेचर में होने वाला पॉलन ग्रेन कहीं से बूढ़ा कहीं पर भी पहुंच सकता है, लेकिन साइंटिस्ट प्लान करेगा। सो दीज जीनोगैमी आर अनप्लांड की प्लांड, प्लांड जीनोगैमी आर नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नहीं आया? दीज आर अनप्लांड की प्लांड। और इसमें क्या प्लान किया गया कि किसका लेंगे पॉलन ग्रेन और किसकी स्टिग्मा पर डिपॉजिट करेंगे। जब ये हो जाएगा भाइयों बहनों तो सीड बनेंगे, और सीड बनने के बाद हम ग्रो कराएंगे, और ग्रो कराने के बाद एक बेबी प्लांट बनेगा जो इन दोनों की मदद से प्लांट बना है। इस बेबी प्लांट में मम्मी और पापा, सॉरी पापा और मम्मी दोनों के करेक्टर आ जाएंगे। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। बोल से बोलो हाइब्रिड। और अब हाइब्रिड की डेफिनेशन जो कल पढ़ाई थी वो पढ़ा दोगे तो मैं समझूंगा तुम्हें आता है, नहीं तो तुम बेवकूफ। व्हाट इज हाइब्रिड? इट इज अ प्रोडक्ट। कल भी पढ़ाया था, इट इज अ प्रोडक्ट। हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट। हाइब्रिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन टू प्लांट, सेम प्लांट की डिफरेंट प्लांट विथ डिजायर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड इफ इट इज अ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इट इज आर्टिफिशियल। नहीं आया? चलो बता पाओगे? चलो अब बताओ, अगर बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम समझ पाए। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड इज द प्रोडक्ट, कहना सीखो, हाइब्रिड इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट विथ डिजायर्ड कैरेक्टर। के दो प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग की गई, उनसे एक बेबी पैदा हुआ, क्या वो हाइब्रिड है? हाइब्रिड बनने की इस प्रक्रिया का नाम, और इस हाइब्रिडाइजेशन को अगर हमने क्या किया है? प्लान। अगर प्लान किया है तो बताओ आर्टिफिशियल। तो भैया मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या प्लान किया, और अगर इतना बता दो कि क्लास खत्म कर दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा, क्या प्लान किया? हमने प्लान किया है कि मेल कौन बनेगा, कौन बनेगा? मेल। और हमने ये भी प्लान किया है कि फीमेल कौन बनेगा। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने किस बात के लिए हां कह दी? सच में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुमने किस बात के लिए हां कह दी? भैया मेल वो बनेगा जिसका हम क्या उठाएंगे? पॉलन ग्रेन। फिर से बोलो पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन हम प्लांट की बजाय बैंक से भी उठा सकते हैं। बैंक का नाम पॉलन बैंक, याद आया? बनाया था कितना टेम्परेचर? -196 डिग्री, याद है? क्या ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है?
लिक्विड नाइट्रोजन पे ये पॉलन ग्रेन अभी का है कि पहला क्या हम इसे स्टोर कर रखे हैं? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन के पास अनडिजायर्ड करेक्टर है कि डिजायर्ड। तो हमने क्या प्लान कर रखा है? मेल, और मेल पौधा पता चला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बोले सर क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, एकदम शांत। अब आप देखिए, इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन में मेल प्लांट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, प्लांट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन क्या एग्जिस्ट कर रहा? पॉलिन। इसका मतलब मैंने मेल को डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी। कैसे डिसाइड कर रखा? किसके थ्रू? क्या कोई प्लांट वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। कहां से उठाया? मैं एग्जिस्टिंग प्लांट से भी पॉलन ग्रेन ले सकता हूं, ध्यान रहे, एग्जिस्टिंग प्लांट से भी पॉलन ग्रेन ले सकता हूं, लेकिन यह काम मैं फीमेल के साथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फीमेल में पैदा करने हैं सीड। कैसे करने हैं? सीड। और सीड पैदा होंगे फर्टिलाइजेशन से। किसे? और फर्टिलाइजेशन के पहले क्या करना पड़ेगा? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन डेड चीजों में होगा कि लिविंग? लिविंग। नहीं आया तो बोले हमें फीमेल प्लांट को लिविंग कंडीशन में लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर मैंने स्टिग्मा भी -196 डिग्री में प्रिजर्व कर रखी है कि सर इसको इसके साथ कर देंगे, नहीं, इसे तो हमें ग्रो कराना ही पड़ेगा। अब समस्या यह है कि जिसे हमने फीमेल प्लांट माना, उस फीमेल प्लांट में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। इसका मतलब उसका फ्लावर कैसा है? बाइसेक्स। ये बात समझाते समझाते ऑलमोस्ट मेरे सारे बाल खत्म हो चुके हैं। हर साल समझाते हैं और हर साल समझाने के बाद में आता है बच्चा कहता है सर ये बात समझ में नहीं आई कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया तो प्लांट फीमेल कैसे हो गया? प्लांट को भी बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अरे बेवकूफ, ये बाइसेक्सुअल है कि मैंने माना है? क्या माना है? फीमेल। इसका मतलब मेरे लिए तुम्हारी क्या डिजायर्ड है? स्टिग्मा। क्या अनडिजायर्ड है? एंथर। एंथर डिजायर की अनडिजायर्ड? अनडिजायर्ड, क्योंकि एंथर का इंतजाम पहले कर रखा है एंथर के रूप में कि पॉलिन के रूप में? पॉलिन। नहीं आया। तो बोलते इफ फीमेल प्लांट इज बाइसेक्सुअल, अगर फीमेल प्लांट जिसे माना गया है और वो लकीली बाइसेक्सुअल है, कैसा है? तो अगर फीमेल प्लांट बाइसेक्सुअल है और फीमेल प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हमें उसका एंथर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला काम होगा इसके एंथर को भगाना, और एंथर को रिमूव करना इट इज नोन एज ईमैस्कुलेशन। बताओ क्या होगा? ईमैस्कुलेशन। व्हाट इज ईमैस्कुलेशन? इट इज अ रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन। मैचुरेशन के बहुत पहले मैंने एंथर को रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर एंथर बेटा मैच्योर हो गया तो क्या बन गए होंगे? पॉलन ग्रेन। फिर से बोलो। और अगर पॉलन ग्रेन बन गए होंगे तो हो सकता है वो स्टिग्मा तक पहुंच गए हो, और अगर स्टिग्मा तक पहुंच गए हो तब मैं अपना डिजायर्ड पॉलन डालू। बताओ पॉलन स्पेसिफिक इंटरेक्शन होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। तो हमें मैचुरेशन के पहले करना है कि बाद में? तो बिफोर मैचुरेशन मुझे रिमूवल ऑफ एंथर करना है। प्रोसेस का नाम ईमैस्कुलेशन। सो बताओ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला काम ईमैस्कुलेशन। अब जरा एज्यूम करो कि एक खेत में 1000 पौधे हैं। कितने पौधे? और हर पौधे में एवरेज 10 फ्लावर है। कितने? तो टोटल कितने फ्लावर हो गए? हाँ, और 10,000 फ्लावर के हर एक फ्लावर के बड को, किसको? बड इज मैच्योर की मैच्योर, उसको खोलना है और क्या निकालना है? एंथर कैची से काट के निकालना है। कितनी बार? 10,000। बताओ इट इज अ सिंपल प्रोसेस और कंपाउंड? इट इज अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स?
इसलिए बताओ हाइब्रिडाइजेशन एक हार्ड वर्क है, यस। और इसीलिए मार्केट में जो हाइब्रिड सीड आते हैं वो सस्ते की महंगे, महंगे, क्योंकि साइंटिस्ट को हजार पौधों के हर एक फ्लावर को कट करके निकालना पड़ेगा, फ्लावर को कि अंतर को, और अभी भी सेफ नहीं हो। क्यों सेफ नहीं हो? क्योंकि जिसका तुमने इमैस्कुलेशन किया उसमें केवल बची है स्टिग्मा, क्या बची है, और तब तक बड खुल गए, क्या खुल गए, बड, और हवा में उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन कहीं से आ गया, डिजायर्ड की अनडिजायर्ड। तो बताओ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो पहले तो हमें क्या काटना है और फिर इसमें चढ़ानी है बैग, क्या चढ़ानी है, बैग का मतलब है इसे कवर करना है बाय बटर पेपर, किसे, बटर, बटर पेपर से इसे कवर कर देना है, दैट इज नोन एज बैगिंग। याद रखना अगर बटर पेपर ना मिले तो आप सॉफ्ट पॉलीथीन से भी इसे कवर कर सकते हो। तो बताओ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कितने प्रोसेस, दो, पहला कौन, इमैस्कुलेशन, और इमैस्कुलेशन कब करेंगे, जब फीमेल प्लांट यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल का मतलब उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, एंथर है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज डिजायर्ड की अनडिजायर्ड, डिजायर, और एंथर अनडिजायर्ड, तो एंथर को बचाएंगे कि काट के निकालेंगे, काट के निकालना, इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। सो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बिफोर मैचुरेशन, इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। और एक बार इमैस्कुलेशन कर दिया, फ्लावर में कौन बची, स्टिग्मा, अब स्टिग्मा को भी बेटा क्या करना है, बंद करना है, बंद करके क्या करना है, बैगिंग। मुझसे बच्चे पूछते कब तक बैगिंग करेंगे, जब तक स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी ना आ जाए, क्या ना आ जाए, और जैसे ही स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी आ गई वैसे बैग को खोला। अब सोचो 10,000 पौधों में पहले बैग चढ़ाई थी, फिर 10-15 दिन का वेट किया कि अब स्टिग्मा मैच्योर हो गई होगी, अब सारे बैग एक एक करके खोल रहे हो और खोल करके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन वहीं पर छिड़क रहे हो, और डिजायर पॉलन ग्रेन छिड़क करने के बाद फिर से बैग डाल रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो, उसके पहले एक नेचुरल पॉलन ग्रेन आया और वो जर्मिनेट हो गया, उसके पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पहले हो गए। तो बताओ तुम्हारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल की फेल? तो बताओ पहले क्या किया, इमैस्कुलेशन, फिर क्या किया, बैगिंग, फिर बैग का रिमूवल, फिर फर्टिलाइज, सॉरी पॉलिनेशन, कैसा, आर्टिफिशियल, फिर रीबैगिंग, तब तक। इसका मतलब एक प्रोसेस बहुत आसान है कि बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, समझ में आया? Yes, बताओ क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन और नेचुरल हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ व्हाट इज हाइब्रिड, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर। द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज हाइब्रिडाइजेशन, इफ इट इज बाय नेचर नेचुरल, इफ इट इज बाय प्लांट कंडीशन आर्टिफिशियल। प्लान में हम दोनों चीजें प्लान करेंगे, yes, कि मेल कौन होगा और फीमेल कौन होगा, yes, मेल में भी प्लांट ना हो, केवल क्या हो, पॉलन ग्रेन, जो किससे लाएंगे, पॉलन बैंक से ला सकते हैं, yes, क्या फीमेल को भी प्लान करेंगे, यस, yes, उसको भी स्टोर करेंगे, yes, उसको भी -196 में, yes, क्या उसे जर्मिनेट कराना ही पड़ेगा, yes, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं हुई तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल, फर्टिलाइजेशन, सीड हाइब्रिड होगा। बताओ अगर फीमेल प्लांट कैसा है, बाईसेक्स, जल्दबाजी में काय, अभी हमने तो नहीं कहा क्लास ओवर होगी, अभी हम फर्टिलाइजेशन भी पढ़ाएंगे, क्या समझ में नहीं आता है क्या, क्या तुम दिहाड़ी मजदूर हो कि सर नहीं टाइम हो गया, ओवर टाइम तो पैसा दो, नहीं तो नहीं, यस सर, कौन मांग रहा पैसा, लाओ डंडा दो, ये सही कर देंगे अभी। बताओ पहला प्रोसेस इमैस्कुलेशन है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन,
रिमूवल ऑफ बिफोर मैच्योरेशन, फिर बैगिंग करेंगे। अच्छा बताओ, अगर फीमेल प्लांट यूनिसेक्सुअल है, यानी उसमें स्टिग्मा ही है, अगर केवल स्टिग्मा है, एंथर नहीं है, तो बताओ इमैस्कुलेशन की जरूरत? केवल बैगिंग करेंगे। तो बताओ, अगर हम फीमेल प्लांट चूज करना चाहें तो कैसा चूज करने की कोशिश करें? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, तो हम किस प्रोसेस से बच जाएंगे? पक्का? अच्छा बेटा एक चीज बताओ, जब मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट पढ़ाए थे, कौन से इवेंट, और जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट पढ़ाने चालू किए थे, तो मैंने कहा था तीन इवेंट होते हैं। नंबर वन प्री, ये अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे। पहला प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन, शाबाश मेरे बच्चे, और तीसरा, और अभी तक हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं? अच्छा बताओ, प्री फर्टिलाइजेशन में कितने इवेंट पढ़े हमने? वन, नंबर वन इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, और फिर गैमेट ट्रांसफर पढ़ा। और भाइयों बहनों, गैमेट ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि गैमेट इज मोटाइल के नॉन मोटाइल, तो गैमेट ट्रांसफर के दौरान हमने तीन चीजें पढ़ी, याद है आपको? वैसे तो दो है, एक है पॉलिनेशन, बोलो क्या नाम है, इसमें गैमेट ट्रांसफर हुआ कि गैमेटोफाइट पॉलन ग्रैंड ट्रांसफर हुआ, फिर इसके बाद पढ़ा हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, बोलो क्या नाम, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, और उसी दौरान हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, नेचुरल की आर्टिफिशियल। तो बताओ भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे सोन दुलारों, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? प्री फर्टिलाइजेशन। अभी कितने इवेंट बाकी हैं? वन इज फर्टिलाइजेशन, दूसरा पोस्ट। तो भाइयों बहनों, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन इन, फिर से बोलो, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? डबल, बोलो क्या होना चाहिए? डबल। कितने लोगों को उल्टियां आ रही कि सर छोड़ दो, वो हाथ उठाना चाह रहा था। आओ बेटा आओ, आ जाओ मुन्ना, आओ आओ, अरे जब मैं बुलाया करूं आ जाया करो, चॉकलेट भी दे सकता हूँ, आओ। हाँ नहीं तुम नहीं बेटा, तुम तो सीधे हो, वो ब्लू शर्ट वाला, सजा से बचने के पांच उपाय हैं, पांच क्वेश्चन पूछूंगा बता दिया वापस जाओ, सुबह एक पकड़ा था, पांच क्वेश्चन उसने बता दिए, मैंने उसे बैठा दिया, और नहीं बता पाए तो मारूंगा। मार खाओगे, बुरा मान जाओगे, और तुम्हें जुखाम है, मास्क है, भागो, चलो भागो भागो भागो, कोरोना फैला रहा है। गुस्सा तो नहीं हो गए भाई? हाँ गुस्सा हो गए, अरे हो जाते तो क्या कर लेते, जाओ टेक केयर, गुड लक, बाय, ओके। बेटा इधर रखो।